वही अब खबर दिल्ली से है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ऐलान किया कि हर साल 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने खास बातचीत की है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष कुलवंत सिंह बाद से। देखिए जरा। या अपने लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने जो अपना सर्वस्व वार दिया था वो इस देश और कौम के लिए वारा था। जुल्म के खिलाफ उन्होंने शमशीर उठाई थी और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए पूरा परिवार शहीद हुआ था। तो मैं समझता हूं कि सरकार अगर इसके लिए भी सभी सरकारों को बाध्य कर दे कि गुरु साहब का जो इतिहास है, उनकी शहादत का जो भक्ति और शक्ति का संगम है, इसको अगर पाठ्यक्रम में रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ये सरकार का भी फैसला होगा और सिख कमेटी के लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। तो सर हम ये कह सकते हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया है। पूरी सिख कौम की तरफ से मैं कह सकता हूं कि इस बात का स्वागत करेंगे लोग, लेकिन जो मैंने बात रखी है कि छोटा सा संशोधन इसमें साहिबजादा शब्द का सुमेल इस नाम में हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि ये होगी।